बच्चों, आप क्रिकेट खेलते हैं? अगर खेलते नहीं भी होंगे तो दूसरों को खेलते जरूर देखा होगा, कभी टीवी पर, कभी मैदान पर। कभी ऐसा भी होता है कि बैट्समैन बॉल को हिट करता है और बॉल लुढ़कती हुई बाउंड्री के पास पहुंचने ही वाली होती है, और तभी वहां पर मौजूद फील्डर दौड़ कर आता है और बॉल को धक्का लगाकर रोक लेता है या तो उसकी दिशा को बदल देता है और बाउंड्री पार होते होते ही बच जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि बॉल लुढ़कते हुए आ रही है, वहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। हम सोचते हैं कि अब तो 4 रन मिल ही जाएंगे बैट्समैन को, पर वहाँ पर भी कभी ऐसा हो जाता है कि बॉल लुढ़कते लुढ़कते बाउंड्री के पास पहुँचते ही रुक जाती है और 4 रन नहीं मिल पाते। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि उस खिलाड़ी के प्रयास से, उस खिलाड़ी के धक्के मारने से बॉल की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या तो उसकी दिशा बदल जाती है या तो गतिशील बॉल रुक जाती है। ये बॉल बाउंड्री पर आकर कैसे रुक गई? यहाँ पर तो कोई खिलाड़ी नहीं था उस बॉल को रोकने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर बॉल पे कोई धक्का नहीं लगा, बॉल पर कोई बल नहीं लगा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बॉल पर बल कार्य करता है, और वो बल है घर्षण बल, जो कि इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में मौजूद हवा के द्वारा लग रहा था या मैदान की सतह के कारण उस बॉल पे लग रहा था। और दूसरा बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण वो लुढ़कती हुई बॉल बाउंड्री में आते आते ही रुक गई। बच्चों, हमारे पास एक और उदाहरण है फुटबॉल का। यदि फुटबॉल गोल पोस्ट के पास रखी हो, वो फुटबॉल समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, इसका मतलब वो फुटबॉल विराम अवस्था में है। अब मौका दिया जाता है खिलाड़ी को गोल करने का, तो खिलाड़ी क्या करता है? उस फुटबॉल को किक मारता है, यानी कि उस बॉल को धक्का लगाता है। धक्का लगाते ही जो बॉल विराम अवस्था में थी, वो हवा में उड़ती हुई गोल पोस्ट की तरफ जाती है, यानी कि वो रुकी हुई विराम अवस्था की फुटबॉल अब गति करने लगती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि धक्का लगाने पर जो रुकी हुई बॉल थी वो चलने लगती है, या फिर जो क्रिकेट की गतिशील बॉल थी वो रुक भी सकती है, और यही कहलाता है बल। यानी कि बल एक बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे गतिशील से विराम में लाया जा सकता है या विराम से उसे गतिशील बनाया जा सकता है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। आपके सामने रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर है या चट्टान है, आप उसे हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर आप उसे धक्का लगाएंगे, यानी कि आप बल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इतने बड़े पत्थर को या चट्टान को केवल धक्का लगाने से क्या वो अपने जगह से खिसक जाता है? क्या वो विराम अवस्था का चट्टान या पत्थर गतिशील हो जाता है? नहीं ना। मतलब उस समय बल का इस्तेमाल करके भी हम उस चट्टान के, उस पत्थर की विराम अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे हटा नहीं पाते। तो अब हम बल से क्या समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है, जैसे कि हमने इन विभिन्न उदाहरणों में देखा। या तो बॉल गतिशील से विराम हो गई, विराम से गतिशील हो गई, या फिर वो बड़ा सा चट्टान अपने ही जगह पे ही था, विराम अवस्था में ही था, हमारे बल लगाने पर भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चों, इस बल को समझने के लिए आइए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, आपके घरों में जमीन पर कभी पानी या तेल के गिरने से आप उसमें फिसल कर गिरे हैं? पक्का आप में से कोई ना कोई तो गिरा होगा, क्योंकि मैं भी गिरी हूँ। इसके अलावा जब हम सड़क पर चलते हैं या अपने घर पर चलते हैं और नदी के किनारे रेत पर चलना पड़े, तो क्या दोनों में आपने कोई अंतर महसूस किया है? या सड़क पर हम साइकिल चला रहे हो और सड़क पर रेत पड़ी हो, उस पर जब साइकिल चलाना पड़ता है तो लगता है मानो साइकिल कितनी भारी हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। इन सभी घटनाओं के पीछे क्या कारण है? आप और हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसके अवरुद्ध में एक बल कार्य करता है,
उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। लेकिन क्या सतहों की प्रकृति अलग अलग होने से वह भी घर्षण बल के मन को प्रभावित करती है? ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पक्का आपको भी ये सवाल परेशान कर रहा होगा। क्यों ना इसके लिए हम एक प्रयोग करें। हम इसके लिए एक वस्तु को अलग अलग प्रकृति वाली सतहों पर डालकर देखेंगे और देखेंगे कि वस्तु जो दूरी तय कर रही है, क्या उसके मान में कोई प्रभाव आ रहा है। तो चलिए इस प्रयोग को करते हैं। इस प्रयोग के लिए हम टेनिस बॉल को यूज करते हैं और इस टेनिस बॉल को हम, ये जो प्लेट आपके सामने है, ये एक निश्चित ऊंचाई पर रखी गई है, इससे लुढ़काकर देखेंगे कि हमारी ये बॉल कितनी दूरी तय करेगी। पर उस दूरी का मापन भी करना होगा, जिसके लिए हमने यहां पर स्केलिंग कर रखी है। देखिए, यदि मैं इसे 0 फीट मान लूं, तो 0 फीट से यहां पर 5 फीट, ये दूरी हमारी हुई 10 फीट, ये 15 और 20 फीट। 20 फीट तक की स्केलिंग हमने कर रखी है। अब हम इस टेनिस बॉल को लुढ़का कर देखेंगे। चलिए बच्चों, हम टेनिस बॉल को यहां से लुढ़का देते हैं। देखें ये कितनी दूरी तय करती है। देखें हमारी बॉल ने कितनी दूरी तय कर ली है। 5 फीट तो इसने क्रॉस कर लिया। 5 फीट से आगे ये कितनी बढ़ी है, इसका भी मापन कर लेते हैं। 5 फीट के बाद ये आ रहा है 18 इंच, इसका मतलब 1.5 फीट और 5 फीट और 1.5 फीट, 6.5 फीट इस बॉल ने दूरी तय की है। बच्चों चलो अब हम इस सतह को थोड़ा चिकना कर लेते हैं। इसके लिए मेरे पास ये तेल है और ब्रश की सहायता से मैं सतह पर थोड़ा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेती हूं। चलिए इस तेल लगी चिकनी सतह पर हम पुनः बॉल को लुढ़काते हैं और समान ढाल से हम इस बॉल को लुढ़का रहे हैं। देखिए तो बॉल ने कितनी दूरी तय की है। चलिए इसका पुनः मापन कर ले, क्योंकि पिछली बार से ये ज्यादा दूर दिखाई दे रही है। 5 फीट तो इसने क्रॉस कर दिया। आगे और कितनी बढ़ी है, इसका मापन कर लिया जाए। हम देख रहे हैं कि ये ओके, ये 3 फीट और आगे है, इसका मतलब 5 फीट और 3 फीट, कुल 8 फीट बॉल ने दूरी तय की है। तो बच्चों अब हमने इस सतह पर थोड़ी सी रेत डाल दी है और सतह को रेतीला बना दिया है। इस पर बॉल को डालकर देखते हैं कि इसके द्वारा कितनी दूरी तय होती है। ढाल अभी भी हमारा समान ढाल है और हमने ये बॉल डाल दी। अरे ये तो यहीं पर आकर रुक गई है। चलिए इसका मापन कर लें कि इसने कितनी दूरी तय की है। इसके द्वारा ये देखिए केवल 2 फीट, 2 फीट की दूरी बॉल ने रेतीले सतह पर तय की। बच्चों हमने यह देखा कि अलग अलग प्रकृति वाली सतह पर बॉल ने अलग अलग दूरी तय की। जैसे कि जब सामान्य सतह पर बॉल लुढ़की तो 6.5 फीट, रेत पर केवल 2 फीट और चिकनी सतह होने पर बॉल द्वारा 8 फीट की दूरी तय की गई थी। तो अलग अलग सतहों पर बॉल द्वारा अलग अलग दूरी तय करने का कारण क्या था? इसके पीछे कारण यह है कि जब चिकनी सतह पर बॉल चल रही थी तो उस पर घर्षण बल कम लग रहा था, जिसके कारण बॉल ने अधिक दूरी तय की। परंतु रेतीली सतह पर घर्षण बल का मान अधिक था और बॉल द्वारा तय की गई दूरी भी कम हो गई थी। तो घर्षण बल का मान जो होता है वह सतहों की प्रकृति से प्रभावित होता है। तो बच्चों इस क्रियाकलाप से हमने जाना कि घर्षण बल का मान निर्भर करता है सतह पर जिस पर वस्तु चल रही है या गति कर रही है। अगर सतह खरदूरी हो तो घर्षण बल का मान अधिक होता है। यदि सतह चिकनी हो तो घर्षण बल का मान कम होता है। वैज्ञानिक गैलीलियो का भी यह मानना था कि यदि कोई सतह क्षैतिज है, समतल है और वो घर्षण रहित है, मतलब उसमें कोई घर्षण ना हो, कोई घर्षण बल कार्य ना करे, तो यदि उस पर कोई वस्तु गति कराई जाए तो वस्तु रुकेगी ही नहीं, वस्तु चलती ही रहेगी। और उसी सतह पर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। उनके अनुसार ये लुढ़कती हुई बॉल यदि रुक जा रही थी तो वहाँ पर मुख्य कारण था घर्षण बल।
तो घर्षण की अनुपस्थिति में, जब घर्षण नहीं होगा उस स्थिति में वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इस बल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम संतुलित बल और असंतुलित बल का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप के लिए मेरे पास लकड़ी का ये एक गुटका है और इस गुटके पर दोनों तरफ हमने हुक लगाए हुए हैं। इस हुक से होते हुए धागे एवं घुंडी की सहायता से हमने पल्ले दोनों तरफ लटकाए हुए हैं। इस व्यवस्था को आप देख पा रहे हैं, साथ ही कुछ भार भी हमारे पास है। इन सभी की सहायता से हम अपने क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं। अभी जब पल्ले दोनों दिशाओं में लगे हुए दोनों तरफ हमारे लकड़ी के गुटके के हुक में फंसे हुए हैं, तो पल्लों का भार समान है, जिसके कारण जो गुटका है वो अभी आपको संतुलित अवस्था में दिख रहा है। अब हम इन दोनों पल्लों पर अलग अलग भार लगाकर देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होती है। मान लो मैं अपने दाहिने पल्ले की तरफ, जो हमारा गुटका यहाँ पर है, इसके दाहिने पल्ले पर 20 ग्राम का भार रख दे और बाएं पल्ले में 100 ग्राम का भार रख देते हैं। और अब इसकी प्रतिक्रिया देखते हैं। देखिए बच्चों, गुटका जो है वो बाईं तरफ सरक गया, क्योंकि बाएं पल्ले पर हमने जो भार रखा था वो अधिक था। इस तरफ जो रखा हुआ है वो 20 ग्राम भार और दूसरी तरफ है 100 ग्राम भार। दोनों भारों में 80 ग्राम का अंतर है, जिसके कारण हमारा जो गुटका है वो अपनी पूर्व स्थिति से बदल गया। अब पुनः हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ जो है वो समान भार हो, तब क्या होगा, ये प्रतिक्रिया हमें देखनी होगी। चलिए करते हैं। इस गुटके को अपनी पूर्व स्थिति में लाकर भार को समान कर लेते हैं। इस तरफ हमने जो 20 ग्राम का भार रखा था, इसे मैं बदलकर 100 ग्राम का भार रख दे रही। क्या अब भी गुटके की पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन होगा? चले देख लें इसे। देखिए, गुटका तो अपनी स्थिति से बिल्कुल भी नहीं हिला, उसकी पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस गुटके पर दोनों दिशाओं में जो हमने भार रखा था वो समान है, और समान भार के कारण दोनों ही तरफ समान बल आरोपित हुआ, जिसके कारण इस वस्तु पर जो नेट बल लग रहा है वो कितना हो गया? शून्य। क्योंकि जो नेट बल होता है वो किसी भी वस्तु पर लगने वाले दोनों दिशाओं के बलों का अंतर होता है। जब हम असंतुलित अवस्था में इसे देख रहे थे, तब हमारे दाएं पल्ले पर भार था 20 ग्राम का और बाएं पल्ले पर भार था 100 ग्राम का, मतलब 80 ग्राम का अंतर था। तो इन पे लगने वाले बलों का अंतर कितना था? 80 ग्राम भार, जो कि इस वस्तु पर लगने वाले नेट बल का मान था। इस प्रकार संतुलित और असंतुलित जो बल है उसका अध्ययन हमने इस क्रियाकलाप के माध्यम से किया। तो इस क्रियाकलाप से हमने जाना कि यदि बल संतुलित हो तो वो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता। वस्तु जिस अवस्था में है, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, विराम है तो विराम ही रहेगी, लेकिन असंतुलित बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अब आइए बच्चों, हम एक और उदाहरण लेते हैं। आप भी ऐसा करते होंगे, जब आप जा रहे हो रास्ते में, कोई खाली बोतल पड़ी हो तो आप कभी कभी उसे किक मारते हुए चले जाते हैं। आप देखते हैं कि बोतल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह किक मारने से चली जाती है, लेकिन उसी बोतल के स्थान पर एक बड़ा सा भरा हुआ ड्रम हो, वो आपके रास्ते में आए, तो क्या फिर आप उसे किक मारते हैं? नहीं मारते, क्योंकि किक मारने से वो ड्रम तो अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि आपको चोट लग जाएगी। वैसे उस बोतल को और उस ड्रम को यदि आप किक मारते तो दोनों पर बराबर ही बल लगाते, लेकिन बोतल जो है वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन ड्रम अपने स्थान पर ही मौजूद रहता है। आपके द्वारा लगाया गया बल इन दोनों वस्तुओं में अलग अलग तरीके से कार्य कर रहा है। बोतल की स्थिति में परिवर्तन कर दे रहा है, पर ड्रम की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब सिंपल तौर पर दिया जाए तो यही है, बोतल हल्की थी और ड्रम भारी था।
इसका मतलब बॉटल का द्रव्यमान कम है और उस ड्रम का द्रव्यमान अधिक है। वैसे ये दोनों ही वस्तुएं एक ही गुण को प्रदर्शित करती हैं, दोनों अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती, पर बॉटल हल्का होने के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, पर ड्रम भारी होने के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाता। और इस वस्तु के द्रव्यमान से जुड़े हुए इस गुण को हम कहते हैं जड़त्व, जिसके कारण वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता। जड़त्व शब्द जड़ से आया है। हम जानते हैं पेड़ की जड़ का क्या काम होता है, वो पेड़ को जमीन से टाइटली पकड़ के रखता है, पेड़ को इधर उधर हिलने नहीं देता। हम देखते हैं जिस पेड़ की जड़ बहुत मजबूत होती है वो आंधी तूफान हवा पानी में भी खड़ा रहता है, जिसकी जड़ कमज़ोर होती है वो आसानी से खींच कर निकाल दिया जाता है। तो यही जड़ शब्द से ही हम जड़त्व शब्द की उत्पत्ति करते हैं। और वस्तु का भी वह गुण जो उसके द्रव्यमान के कारण है, जिसके कारण वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता, वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है, वो विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहता है, इस गुण को हम जड़त्व का नाम देते हैं। जैसे कि यदि छोटी सी बॉल लुढ़कते हुए आ रही है तो आप उसको आसानी से रोक लेते हैं, लेकिन यदि एक ट्रेन चलती हुई आ रही है तो क्या आप उसके सामने खड़े होकर धक्का लगाएंगे उसे रोकने के लिए? नहीं, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जड़त्व जो है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। हल्की वस्तु का कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कम होगा, जबकि भारी वस्तु का अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। अब जड़त्व से जुड़े हम दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों को आपने भी अनुभव किया होगा। जब आप बस में बैठकर जाते हैं और अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो क्या होता है? आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। आप आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्योंकि उस समय आपका शरीर गति में होता है और गति में ही रहना चाहता है, पर ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण जो आपका निचला हिस्सा है शरीर का, यानी कि बस की सीट से लगा हुआ हिस्सा, वो तो विराम में आ जाता है, लेकिन आपका ऊपर का हिस्सा, लेकिन आपका जो ऊपरी हिस्सा है धड़ से सर तक का, वो गतिशील ही रहना चाहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बस में बैठ के गति कर रहे होते हैं, आप सीट पे बैठे हैं, तो कमर से नीचे का हिस्सा वो सीट के जरिए सपोर्ट में रहता है, और जब बस रुकती है तो वो उसके कारण विराम में आ जाता है, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा वो सीट से अलग रहता है, इसीलिए वो गतिशील ही रहना चाहता है, और जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो वह हिस्सा सामने की ओर आ जाता है, इसलिए आप सामने की ओर झुक जाते हैं। इसकी विपरीत प्रक्रिया भी होती है। यदि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और अचानक ही गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ ले, उस समय आप किस तरफ झुकते हैं? उस समय आप आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ झुकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जनरली आपने बाइक में या साइकिल में बैठकर अनुभव किया होगा, क्योंकि उस समय सीट में पीछे टिकने के लिए कुछ नहीं होता, आपका जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो सीट की सहायता से गाड़ी से जुड़ा हुआ होता है, और जब गाड़ी आगे चलना चालू होती है तो नीचे का हिस्सा तो गतिशील हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो बिना सपोर्ट के है वो अभी भी विराम में ही रहना चाहता है, और इसलिए जब गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है तो झटका पीछे की ओर लगता है। बच्चों, अब एक और उदाहरण लेते हैं। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ट्रेन रुकने से पहले ही उतरने की कोशिश करते हैं। जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो वो प्लेटफॉर्म में कुछ दूर दौड़ते हैं ट्रेन की ही दिशा में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक वो ट्रेन में बैठे थे तब तक वो उस ट्रेन की दिशा में ही गतिशील थे, लेकिन जैसे ही वो रेल से उतरते हैं तो यहाँ पर काम करता है गति का जड़त्व, उनका शरीर गति में ही रहना चाहता है, और यदि उस समय व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वो खड़ा नहीं रह सकता बल्कि वो प्लेटफॉर्म में ही गिर जाएगा, इसलिए उसे कुछ दूर तक ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना पड़ता है।
एक और उदाहरण आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है, पेड़ हिलने लगते हैं, तो फल अपने आप ही टूटकर गिर जाते हैं। ये फल टूटकर क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर काम करता है विराम अवस्था का जड़त्व। वो जो फल है पेड़ में, वो तो स्थिर ही रहना चाहता है, क्योंकि पहले तो पेड़ स्थिर था, लेकिन हवा चलने के कारण पेड़ तो हवा की दिशा में झुक जाता है, लेकिन फल अपनी अवस्था में ही रहना चाहता है। वो पेड़ के साथ साथ गति नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी जगह में रहता है, पेड़ झुक जाती है। इसका मतलब फल जो है वो पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन में जड़त्व के कई उदाहरण होंगे। न्यूटन ने किसी वस्तु की गति को अच्छे से समझने के लिए 3 नियम बनाए। गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व से संबंधित है, इसलिए हम इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। और इस गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो उसी दिशा में ही गति करते रहेगी, जब तक उसमें कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि संतुलित बल तो अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हमने कैसा बल लगाया है? असंतुलित बल। तो असंतुलित बल को इस्तेमाल करके किसी वस्तु में लगाकर उसकी गतिशील अवस्था को विराम में या विराम अवस्था को गतिशील अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। बच्चों, यदि आपको एक टेबल टेनिस वाली बॉल दी गई है और कहा जा रहा है उस बॉल को नीचे गिराएं अपने पैरों पर, तो आप आसानी से उसे गिरा देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उस बॉल के गिरने से आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन उस टेबल टेनिस वाली बॉल की जगह आपको एक शॉट पुट दे दिया जाए, यानी कि लोहे की बॉल जिसको इस्तेमाल किया जाता है थ्रो के लिए, उसको आपको अपने पैरों पर गिराने को कहा जाए, तो निश्चित ही आप उसको कभी नहीं गिराएंगे। इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि यदि वो बॉल आपके पैर पर गिर गई तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। वैसे ही यदि आपको एक साइकिल को रोकने को कहा जाए तो आप उसके सामने आसानी से खड़े होकर उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक ट्रक को रोकने को कहा जाए तो आप उसे कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपको मालूम है साइकिल से आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन ट्रक के सामने आप खड़े होंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। तो इन उदाहरणों से आप सोच रहे होंगे कि प्रभाव द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, भारी वस्तु का प्रभाव अधिक होता है और हल्की वस्तु का प्रभाव कम होगा। पर इसको और अच्छे से समझने के लिए चलो एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या है? 2 बॉल। ये कौन सी बॉल है? टेनिस की। आप लोग इसे क्रिकेट खेलते हैं ना? और ये एक बॉल है मेरे पास लोहे की। मैं सोच रही हूँ यदि दोनों बॉल मेरे पैरों पर गिर जाए तो क्या होगा? इस टेनिस की बॉल का दर्द तो मैं सह लूंगी, पर अगर ये लोहे की बॉल मेरे पैर पर गिर जाए तो तय है कि मेरे पैर की हड्डी तो टूट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास 2 अलग अलग द्रव्यमान की बॉल है, इनके गिरने से हमें चोट कम या ज्यादा क्यों लगती है? इसे समझने के लिए हम क्यों ना इन्हें गिरा कर देखें? पर नहीं, मैं अपने पैरों पर तो इन्हें नहीं गिराने वाली। क्यों ना हम इसे एक ऐसी जगह पर गिराएं जहां पर हमें चोट भी ना लगे और इनके गिरने के प्रभाव को भी हम आसानी से देख सकें। तो चलिए हम इसे रेत पर गिराकर देखते हैं। जब हम इसे रेत पर गिराएंगे तो हम इसके प्रभाव को आसानी से देख पाएंगे। शुरू करते हैं हम अपने टेनिस बॉल से, और इसके लिए इसे किस ऊंचाई से गिराना है इसका प्रयोग के लिए हम, आप देख सकते हैं इस रॉड में एक निशान हमने लगाया हुआ है, उस निशान से हम इसको गिराएंगे ताकि हमारी ऊंचाई में परिवर्तन ना हो। देखिए इस मार्किंग की हुई जगह से हम यहाँ पर इसी ऊंचाई का प्रयोग करके इसे गिराते हैं। अरे, इसने तो बहुत ही छोटा सा गड्ढा किया है। चलिए हम इस गहराई को नापेंगे। तो चलो बच्चों,
अब इसी प्रक्रिया को हम इस लोहे की बॉल के साथ करते हैं। ओह माय गॉड, देखो तो ये कितनी भारी है। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी हम इस छड़ की सहायता लेंगे और उसी प्रकार यहाँ पर इसे रख देते हैं। ये मार्किंग की हुई जगह इसी समान ऊंचाई से हम इस लोहे के बॉल को भी गिराते हैं। ये बॉल बाहर आ गई है, ठीक है। अब इस छड़ी की सहायता से हम इसे नाप लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने इतना नापा है इसे। इस गहराई के नाप को हम मार्कर से निशान लगा देते हैं। तो बच्चों, अभी हमने दो अलग अलग भार की बॉल को रेत पर गिराकर देखा और रेत पर बनने वाली गहराइयों को नापा भी। टेनिस की बॉल से हमें जो गहराई प्राप्त हुई थी उसकी मार्किंग हमने यहाँ कर रखी है और लोहे की बॉल से हमें इतनी गहराई प्राप्त हुई थी। इसे हम स्केल से नाप कर देख लेते हैं और इस अंतर को समझ पाएंगे। लोहे की बॉल से हमें रेत पर जो गहराई प्राप्त हुई थी उसका स्केल में हम मापन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 9.7 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम नाप लेते हैं जो कि हमें टेनिस की बॉल के थ्रू प्राप्त हुआ था। टेनिस के बॉल के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमने यह देखा कि दोनों बॉल में से जिसका भार अधिक था उसका रेत में हमें गड्ढा भी अधिक बड़ा प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो उसके संवेग को प्रभावित करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका संवेग भी अधिक मिलता है। इसलिए हमें अधिक भार वाली बॉल से रेत में अधिक बड़ा गड्ढा प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, हमने देखा कि जब हमने अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से रेत पर गिराया तो उसका प्रभाव अलग अलग था। हमें रेत पर अलग अलग गहराई के गड्ढे प्राप्त हुए जिसका कारण उनके संवेगों में परिवर्तन था। चलिए अब हम इस प्रक्रिया को एक ही वस्तु को लेकर करते हैं, लेकिन इस बार हम उसकी ऊंचाई अलग अलग लेंगे। हम इसे अलग अलग ऊंचाइयों से रेत पर गिराएंगे क्योंकि अब वस्तु एक ही होने के कारण हमारा द्रव्यमान समान रहेगा। इसे हम फिर से इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ दो जगह मार्किंग की हुई है, एक मार्किंग यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक बार हम इस बॉल को इस ऊंचाई से गिराएंगे और दूसरी बार इस ऊंचाई से और उसका मापन कर लेंगे। देखते हैं, सर्वप्रथम मैं इसे इस ऊंचाई से गिरा रही हूँ। चलिए, बिल्कुल पहले की तरह हमें यहाँ पर भी बहुत बड़ा गड्ढा प्राप्त हुआ है और ये बॉल आधी धस गई है। इसे निकाल लेते हैं और अब हम पिछली प्रक्रिया की जैसे इस छड़ी का उपयोग करके इसमें मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस गड्ढे को मुझे इसकी इतनी गहराई प्राप्त हुई है और इसे मैं इस मार्कर की सहायता से निशान लगा दे रही हूँ, ठीक है। अब इसे हम स्केल से देख लेते हैं कि हमें कितना गहरा जो गड्ढा है वो प्राप्त हुआ है। तो पहली ऊंचाई से जो हमने डाला उसमें हमें गड्ढे की गहराई मिल रही है 8.7 सेंटीमीटर। अब इस प्रक्रिया को दूसरी बार करेंगे और अब की बार हम जो ऊंचाई लेंगे वो ऊंचाई होगी किसी पाइप में, ये जो मार्किंग हमने की हुई है ये, इससे हम इस बॉल को फिर से गिराएंगे। अब दूसरी जगह पे कर लेते हैं इसको। इस ऊंचाई से मैं इसे गिरा रही हूँ। देखो, आप देख सकते हो कि इस बार बॉल उतनी अंदर रेत में नहीं गई जितनी कि पिछले बार गई थी। इसका मतलब हमें जो गड्ढा इस बार प्राप्त हुआ है वो पहले की तुलना में थोड़ा कम गहरा है। चलिए इसका भी हम मापन करेंगे। पहले बॉल को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और अपनी छड़ी का उपयोग हम फिर से करते हैं। दूसरी बार जब हमने कम ऊंचाई से इस लोहे की बॉल को गिराया तो हमें यहाँ तक की गहराई वाला गड्ढा प्राप्त हुआ है जिसे मैं मार्क कर ले रही हूँ
और अब हम इसे स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप से हमने जाना, किसी भी वस्तु का प्रभाव उसके द्रव्यमान पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही उसके वेग पर भी निर्भर करता है। तो चलो इसको हम एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर एक कार है और एक ट्रेलर है। कार का द्रव्यमान कम है और इस ट्रेलर का द्रव्यमान अधिक है। अब ये कार गति करते हुए आकर इस ट्रेलर को टक्कर मारने वाली है। हम ये सोच रहे होंगे कि कार का ज्यादा नुकसान होगा, ट्रेलर का कम नुकसान होगा, होगा तो यही। लेकिन हम देखते हैं वेग बढ़ाते जाने पर इस दुर्घटना का क्या प्रभाव होगा, किस में ज़्यादा नुकसान होगा और कितना नुकसान हो सकता है। अलग अलग स्पीड में जब हम कार को टक्कर मारते हुए देखते हैं, जब स्पीड कम थी तो नुकसान कार का ही हुआ, इस बड़े से ट्रेलर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते गए, इस कार के वेग को बढ़ाते गए, हम देख रहे हैं कि प्रभाव बढ़ते जा रहा है। हालांकि कार का द्रव्यमान कम ही है, लेकिन उसके वेग को बढ़ाते जाने पर हम देख रहे हैं कि उसका प्रभाव बढ़ते जा रहा है, और उसका प्रभाव इतना घातक भी हो सकता है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। इसका मतलब किसी भी वस्तु का प्रभाव वो दो कारकों पर निर्भर करता है, पहला तो उसके द्रव्यमान पर और दूसरा उसके वेग पर। और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। बच्चों, हम जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, तो संवेग भी एक सदिश राशि है। इस संवेग का मात्रक क्या होगा, तो आइए सूत्र देखते हैं। संवेग को हम दर्शाते हैं P से, द्रव्यमान को M से और वेग को V से दर्शाते हैं। तो P बराबर होगा M इंटू V। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार संवेग का ऐसा ही मात्रक होगा kg मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, मान लीजिए आपके पास खराब बैटरी वाली कार है। ये खराब बैटरी वाली कार आसानी से स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी तो को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। कुछ समय तक हम इसको धक्का लगाते हैं तब ये बैटरी वाली कार स्टार्ट होती है, यानी कि इसके संवेग में परिवर्तन होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन वो समय पर भी निर्भर करता है। आपने बल तो लगाया, लेकिन कितने समय के लिए लगाया, उस पर ये संवेग में परिवर्तन निर्भर कर रहा है। और यही गति के दूसरे नियम का आधार है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है असंतुलित बल के। यानी कि हमने जो असंतुलित बल लगाया, जो उस बैटरी वाली कार में गति उत्पन्न कर सक रहा था, वहां पर संवेग यानी कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए तो बैटरी वाली कार के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, उसके वेग में ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है, वो निर्भर कर रहा था समय पर। तो इसके आधार पर ही हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम देते हैं, और उसके आधार पर न्यूटन की गति के दूसरा नियम इस प्रकार लिखा जाता है, जो असंतुलित बल है वो समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन के दर के। मान लीजिए उस बैटरी वाली कार का T1 समय पे जो संवेग था वो P1 है, और T2 समय पर संवेग P2 है। तो उस असंतुलित बल के लगाने से उसके संवेग में समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार हम इस प्रकार लिख सकते हैं, F समानुपाती है P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये P2 माइनस P1 ये संवेग में परिवर्तन बता रहा है, और T2 माइनस T1 ये समय अंतराल, मतलब समय के साथ साथ ये संवेग में परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F समानुपाती है ∆P अपॉन ∆T के। जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांक लगाएंगे, जिसको हम K से दर्शा रहे हैं। तो F बराबर K ∆P अपॉन ∆T।
यदि मैं के का मान एक लिखूं, वैसे ऐसा ही मात्रक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो के का मान वन ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर f बराबर हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब हम संवेग का सूत्र जानते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो संवेग में परिवर्तन होगा, यानी कि यहाँ पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है, वेग में। तो यहाँ हम लिखेंगे f बराबर m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ये जो वेग में परिवर्तन की दर है ये कहलाती है त्वरण। तो यहाँ से हम इस सूत्र को लिख सकते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए, और ये सूत्र न्यूटन की गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप है, जिसको हम शब्दों में परिभाषित किए थे, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है असंतुलित बल के, उसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर क्रियाशील नित्य बल 25 सेकंड में उसके वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो लगाया गया बल का परिमाण ज्ञात करें। इस प्रश्न में हमें जो दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 3 kg है, वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड है, वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 3.5 मीटर प्रति सेकंड है, और बल लगने का समय t बराबर 25 सेकंड है, और हमें ज्ञात करना है बल। हम जानते हैं बल बराबर p2 माइनस p1 अपॉन t, ये गति के द्वितीय नियम से हमने लिखा है, और यहाँ पर हम p2 के जगह लिख सकते हैं m इंटू v, और p1 के जगह लिखेंगे m इंटू u, क्योंकि p2 अंतिम संवेग है और p1 प्रारंभिक संवेग, इसलिए अब फॉर्मूला हो जाएगा f बराबर mv माइनस mu अपॉन t। f बराबर mv माइनस u अपॉन t, अब यहाँ पर सारे दिए गए मान को हम रखते हैं सूत्र में, सूत्र में रखने पर हमें प्राप्त होगा f बराबर 3 × 3.5 − 2 ब्रैकेट में अपॉन 25, f बराबर हो जाएगा 3 × 1.5 अपॉन 25। अब ये दशमलव को हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर में 10 से गुणा कर देते हैं, तो आगे हमें मिलेगा 3 × 15 अपॉन 250, और आगे हल करने पर 45 अपॉन 250। अब इसको जब पूरा हल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा F बराबर 0.18 न्यूटन, और यही लगाए गए बल का परिमाण होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली पर बल लगाने से उसमें 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, आरोपित बल की गणना करें। इस प्रश्न में जो दिया गया है उसे पहले हम लिख लेते हैं। ट्रॉली का द्रव्यमान m बराबर 5 kg, ट्रॉली में उत्पन्न त्वरण a बराबर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब हमें गणना करना है ट्रॉली पर लगने वाले बल की, तो f बराबर क्वेश्चन मार्क। गति के दूसरे नियम से ही f बराबर होता है m इंटू ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f इक्वल टू 5 × 10, यानी f इक्वल टू 15 न्यूटन। तो इस प्रश्न में ट्रॉली पर लगने वाला बल 50 न्यूटन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 30 ग्राम द्रव्यमान की गेंद के वेग का समय के साथ ग्राफ दिया गया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए कितना घर्षण बल लगाना होगा? यह पूरा प्रश्न ग्राफ पर आधारित है, और इस प्रश्न में ग्राफ दिया गया है, एक्स अक्ष में समय और वाई अक्ष में वेग दर्शाया गया है। ग्राफ एक ढाल वाली रेखा है जिसका एक्स अक्ष के साथ कोई कोण बन रहा है। यहाँ पर समय 5 सेकंड है। ग्राफ के अनुसार आरंभिक वेग 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर गेंद आरंभिक वेग से चलती हुई आ रही है, और घर्षण के कारण वो विराम अवस्था में हो जा रही है,
यानी कि इसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है उसे पहले लिख लेते हैं। गेंद का प्रारंभिक वेग u बराबर 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हम इस मात्रक को पहले SI मात्रक में चेंज कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 15 को 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ये बन जाएगा 0.15 मीटर प्रति सेकंड। गेंद विरामावस्था में आ जाती है, इसलिए v बराबर यानी कि अंतिम वेग बराबर हो जाएगा शून्य और समय ग्राफ के अनुसार 5 सेकंड है। गेंद का द्रव्यमान 30 ग्राम है। अब ग्राम को भी हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 30 को 1000 से भाग दे देंगे। 30 को 1000 से भाग देने पर हमें मिलेगा 0.03 केजी। अब गेंद पर लगने वाला घर्षण बल, इसकी गणना हमें करना है। तो F बराबर होगा m v माइनस u अपॉन t। अब सारे मान इस सूत्र में रख देते हैं। m के स्थान पर 0.03, ब्रैकेट के अंदर वेग v के स्थान पर 0 माइनस u के स्थान पर 0.15 अपॉन समय के स्थान पर 5। इसे हल करने पर हमें मिलेगा F बराबर 0.03 ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.15 अपॉन 5। और इस पूरे प्रश्न को हल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस 0.0009 न्यूटन। और यदि इसे मैं 10 के घातांकों में लिखूं तो ये हो जाएगा F बराबर -9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। 10 के घातांक पर हम नहीं भी लिखें तो भी हमारा आंसर सही होता है। ये जो ऋणात्मक चिन्ह हमने लगाया है वो यह बताता है कि गेंद की प्रारंभिक गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य कर रहा है, और विपरीत दिशा के लिए हम सदैव ही माइनस चिन्ह का, ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला प्रश्न। 5 किलोग्राम की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है, इस बल से कितना त्वरण उत्पन्न होगा? वस्तु के वेग में परिवर्तन की भी गणना करें। हमें ज्ञात है कि वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 5 केजी है, वस्तु पर लगा बल F बराबर 10 न्यूटन है, समय t बराबर 5 सेकंड है। हमें त्वरण भी ज्ञात करना है और वेग में परिवर्तन भी ज्ञात करना है। चूंकि F बराबर m इंटू a है तो हम इनके वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 बराबर 5 इंटू a, और यहाँ से a बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 5 यानी कि 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर v माइनस u अपॉन t। मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 2 बराबर v माइनस u अपॉन 5, और यहाँ से v माइनस u बराबर होगा 2 इंटू 5 यानी कि वेग में परिवर्तन v माइनस u होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इन आंकिक प्रश्नों के आधार पर हम गति के दूसरे नियम को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आइए हम गति के दूसरे नियम से जुड़े दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। आपने क्रिकेट के गेम में बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी को अपने हाथ पीछे करते हुए देखा होगा। वो अपने हाथ पीछे क्यों करता है? क्योंकि जब वो अपने हाथ को पीछे करता है तो उसे चोट कम लगती है। वैसे ही सर्कस में आपने खिलाड़ियों को एक जाल पर या मोटे गद्दे पर कूदते हुए देखा होगा। जब वो मोटे गद्दे पर या जाल पर कूदते हैं तभी भी उनको चोट कम लगती है, यदि वो डायरेक्ट फर्श पर कूदते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है? हम जानते हैं गति के दूसरे नियम से F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी कि बल का संबंध समय के साथ साथ व्युत्क्रम अनुपाती है, यानी कि समय अधिक होगा, समय अधिक लगेगा, समय अंतराल बढ़ जाएगा तो बल का मान कम होगा, और समय अंतराल घट जाएगा तो बल का मान अधिक हो जाएगा। अब जब खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर लेता है यानी कि समय अंतराल को बढ़ाता है, हाथ को आगे से पीछे आने में कुछ ना कुछ समय तो लगता है, तो जब ये समय अंतराल बढ़ जाता है तो उसके कारण ये जो F है, ये बल है, उसका प्रभाव कम हो जाता है
और बल का प्रभाव कम होगा तो चोट कम लगेगी। वैसे ही जब सर्कस में गद्दे पर कूदते हैं, गद्दा दबता है। जब गद्दा दबता है, वापस अपनी स्थिति में आता है, तो इस समय समय अंतराल बढ़ जाता है। चाहे वो जाली क्यों ना हो, अगर जाली पर भी कूदते हैं तो वो नीचे की ओर धंसती है, फिर ऊपर की ओर आती है, और इस स्थिति में भी समय अंतराल बढ़ जाता है। और जब समय अंतराल बढ़ जाएगा तो इस बल का प्रभाव कम हो जाएगा, जिसके कारण खिलाड़ी को चोट कम लगती है। तो विभिन्न उदाहरणों के जरिए हमने गति के पहले नियम और दूसरे नियम को समझने की कोशिश की, और यह भी जाना कि ये दोनों ही नियम एक वस्तु पर लागू होते हैं, लेकिन गति का जो तीसरा नियम है वो दो वस्तुओं पर लागू होता है। दो ऐसी वस्तुएं जो आपस में परस्पर क्रिया कर रही हो, जिनके बीच में कोई संबंध हो। परस्पर क्रिया का क्या तात्पर्य है? मतलब यदि एक वस्तु दूसरे पे बल लगा रही हो तो दूसरा वस्तु भी पहले पे बल लगा रहा होगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। गति के तीसरे नियम को समझने के लिए चलिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए मेरे पास दो स्प्रिंग बैलेंस है। इस दोनों स्प्रिंग बैलेंस को हम ए और बी का नाम दे देते हैं, और अपने क्रियाकलाप को हम इस स्प्रिंग बैलेंस ए से शुरू करते हैं। इसके लिए इस स्प्रिंग बैलेंस को इस प्रकार से हम रखेंगे और इस पर हम बल लगाएंगे। देखिए बच्चों, आपको स्प्रिंग बैलेंस में कितना बल दिखाई दे रहा है? 1 न्यूटन का बल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने इस दूसरे स्प्रिंग बैलेंस बी को भी इस स्प्रिंग बैलेंस में जोड़ देते हैं। और उसके बाद बल लगाने की प्रक्रिया को दोहराते हैं। देखिए इस प्रकार हम इस पर भी बल लगा रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको? दोनों स्प्रिंग बैलेंस में आपको 1 न्यूटन का बल दिखाई दे रहा है। तो हमने यह पाया कि जब हम बल लगा रहे हैं तो दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस में हमें समान बल दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने स्प्रिंग बैलेंस बी में बल लगाया तो वो 1 न्यूटन का बल आपको स्प्रिंग बैलेंस बी में दिखा, और जो बल स्प्रिंग बैलेंस ए बी पर लगा रहा है वो उसकी विपरीत दिशा में है और वो भी समान है, इसलिए आपको इसमें भी 1 न्यूटन का बल दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, और बल के इन्हीं जोड़ों को हम क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं। गति का तीसरा नियम भी यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस क्रियाकलाप द्वारा ये अच्छे से स्पष्ट हो गया कि यदि कोई पहली वस्तु दूसरे पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर उतना ही बल लगाएगी, पर विपरीत दिशा में बल लगाएगी। या यूं कहे कि गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं। यदि पहली वाली वस्तु दूसरे पे बल लगा रही है, पहले को हम ए से दर्शा रहे हैं, दूसरे को बी, तो पहली वस्तु के द्वारा दूसरे पे लगाए गए बल को हम लिखते हैं एफ ए बी। वहीं दूसरे वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पे लगाए गए बल को हम लिखेंगे एफ बी ए, क्योंकि बी ने ए पे बल लगाया। अब इस तीसरे नियम के अनुसार हमने देखा, इस क्रियाकलाप से हमने जाना कि ये दोनों ही बल बराबर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। तो हम लिखेंगे एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। गति के तीसरे नियम पर ही आधारित है संवेग संरक्षण का नियम। या यूं कहे कि संवेग संरक्षण का नियम गति के तीसरे नियम का एक और रूप है। इसके लिए हम दो वस्तुएं लेते हैं। ये दोनों वस्तुएं किसी प्रारंभिक वेग से गति कर रही हैं। मान लीजिए वस्तु ए है और बी। वस्तु ए का शुरू में वेग यू ए है और वस्तु बी का आरंभिक वेग यू बी है। अब ये दोनों वस्तुएं चलते चलते आपस में टकरा जाती हैं। अच्छा ये बताइए, ये ए वस्तु बी वस्तु से कब टकराएगी? जाहिर सी बात है, जब बी वस्तु का वेग कम होगा, मतलब वो धीमे चल रही होगी, और ए वस्तु की गति अधिक होगी, उसका वेग अधिक होगा, तब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकरा जाएंगी। जब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराएंगी,
इसका मतलब ये है कि इनमें बल लग रहा है, और जब बल लगता है उस कंडीशन में वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। हम गति के दूसरे नियम से जानते हैं कि ये असंतुलित बल जो है वो संवेग परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर टक्कर के पश्चात हम वस्तु ए का वेग VA लेते हैं और वस्तु बी का वेग VB लेते हैं, और ये आगे की ओर बढ़ने चले। जब वस्तु ए वस्तु बी से टकराता है, इसका मतलब वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगा रहा है, तो गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु बी भी वस्तु ए पर बल लगाएगा, और ये बल बराबर होगा पर विपरीत होगा। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि असंतुलित बल समानुपाती होती है संवेग परिवर्तन की दर के। तो यहाँ पर एफ ए बी यानी कि पहले वस्तु का जो दूसरे वस्तु पर बल लगाया जा रहा है वो दूसरे वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगी, क्योंकि जब ए वस्तु टकराएगा बी से तो परिवर्तन किस में आएगा, बी में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर हम बी के संवेग परिवर्तन की दर लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एम बी जो कि बी वस्तु का द्रव्यमान है वो लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वी बी माइनस यू बी। संवेग में परिवर्तन मतलब यहाँ पर किस में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन। आरंभिक वेग हमने यू बी लिया था बी वस्तु का, और अंतिम वेग हो गया उसका वी बी, तो हम वी बी माइनस यू बी लिखेंगे अपॉन टी। मान लीजिए टी समय के अंतराल में ये घटना हो रही है तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे। वैसे ही एफ बी ए यदि हम निकालते हैं यानी कि बी वस्तु का ए वस्तु पर लगाया गया बल, अब जब बी वस्तु ए पे बल लगाएगी तो संवेग किसका परिवर्तित होगा, ए वस्तु का। तो यहाँ पर एफ बी ए बराबर हो जाएगा एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। यहाँ पर पहले ए वस्तु का जो आरंभिक वेग था वो यू ए था, और उसका बाद में वेग हो गया वी ए, तो इसका अंतर निकालेंगे तभी तो हमको वेग में परिवर्तन प्राप्त होगा। अब गति के तीसरे नियम के अनुसार एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए होना चाहिए, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर मान रखने पर दोनों पक्षों में हमको मिलेगा एम बी ब्रैकेट के अंदर वी बी माइनस यू बी अपॉन टी बराबर माइनस एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। दोनों पक्षों से टी कैंसिल हो जाएगा। अब इस द्रव्यमान को हम अंदर ब्रैकेट के गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, देखिए, और इसको सरल करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा एम बी इंटू वी बी माइनस एम बी इंटू यू बी इक्वल टू माइनस एम ए वी ए। अब ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस एम ए इंटू यू ए। अब इसको पक्षांतर करते हैं, हम आरंभिक वेग को एक साथ रखते हैं और अंतिम वेग को एक साथ रखते हैं, तो ये हो जाएगा एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी इक्वल टू एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। अब ये एम ए इंटू वी ए क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। यहाँ पर ये वी ए ए वस्तु का अंतिम वेग था, मतलब टक्कर के बाद का वेग था, तो ये बन जाएगा टक्कर के बाद ए वस्तु का संवेग। वैसे ही एम बी इंटू वी बी ये बन जाएगा टक्कर के बाद बी वस्तु का संवेग। और यहाँ हम राइट हैंड साइड में देखें तो एम ए इंटू यू ए ये टक्कर के पहले वस्तु ए का संवेग है, और एम बी इंटू यू बी ये टक्कर से पहले बी वस्तु का संवेग है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि दोनों वस्तुओं के संवेग को हम जोड़ रहे हैं टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, तो ये दोनों ही बराबर हैं। इस समीकरण को देख के हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तु के टकराने से पहले जो कुल संवेग था वो दो वस्तु के टकराने के बाद कुल संवेग के बराबर होगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग के बराबर है,
यानी कि यहाँ पर संवेग संरक्षित है, सुरक्षित है, और यही संवेग संरक्षण का नियम है। असंतुलित बल के अनुपस्थिति में टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद कुल संवेग के। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, आपने टीवी में रॉकेट के प्रक्षेपण को देखा होगा। आपने देखा होगा कि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। आप जानते हैं ये कैसे संभव होता है? इसी बात को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो है एक बलून और एक धागा जिसे हमने इस सिरे से उस सिरे तक फंसा रखा है, और ये स्ट्रॉ भी इस तरीके से इसमें हमने डालकर रखी हुई है। चलिए क्रियाकलाप की शुरुआत हम इस बलून को फुलाकर करते हैं। थोड़ा और फुला लेते हैं। ठीक है, इतना चलते हैं। अब इससे हम इसके मुख पर इस तरीके से धागे को फंसाकर इसके हवा के निकलने की संभावना को खत्म कर देते हैं। अच्छी तरीके से धागे को बांध दीजिए। और इस बलून को अब हम जो स्ट्रॉ हमने धागे में फंसा रखी है उसमें लगाते हैं। इसके लिए हम सेलो टेप की मदद ले सकते हैं। सेलो टेप के सहायता से इस तरीके से इसे फंसा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है, अब धीरे धीरे हम इस धागे को खोल देते हैं और फिर आपको देखना है कि हमें क्या दिखता है। ये तो देखा आपने, ये बलून कितनी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ा। जैसे ही बलून की हवा विपरीत दिशा में निकलनी शुरू हुई उतनी ही स्पीड से बलून जो है वो आगे की तरफ चला गया। यही संवेग संरक्षण का नियम है। जिस संवेग में परिवर्तन के साथ हवा जो थी वो बलून से पीछे की ओर निकल रही थी उसी स्पीड से बलून जो है हमारा आगे की तरफ चला गया। बिल्कुल यही नियम रॉकेट के प्रक्षेपण पर कार्य करता है। यहाँ पर गति का तीसरा नियम भी लग रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि किन किन वस्तुओं पर गति का तीसरा नियम कार्य कर रहा था? अब आइए हम रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले कुछ आंकिक प्रश्न भी बनाते हैं। प्रश्न पहला, 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो गोलाकार वस्तुएं 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही हैं। इनकी दिशा एक दूसरे की ओर है। कुछ समय पश्चात वे टकरा कर आपस में चिपक जाती हैं। इस जुड़ी हुई वस्तु का वेग कितना होगा? इस प्रश्न में दिया गया है, पहले गोलाकार वस्तु का द्रव्यमान m1 बराबर 40 kg, दूसरे गोलाकार वस्तु का द्रव्यमान m2 बराबर 20 kg, पहले गोलाकार वस्तु का वेग यानी कि u1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे गोलाकार वस्तु का वेग u2 बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। अब टकराने के बाद चिपके जोड़े का वेग यदि हम v लेते हैं तो ये v बराबर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार m1 प्लस m2 ब्रैकेट के अंदर इंटू v बराबर m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। यहां मान रख देते हैं। मान रखने पर हमें मिलेगा 40 प्लस 20 ब्रैकेट में इंटू v बराबर 40 इंटू 10 प्लस 20 इंटू -50। यहाँ पे हमने -50 क्यों लिया है? क्योंकि ये दोनों वस्तु एक दूसरे की ओर चल रही थी, यानी कि हम u1 को धनात्मक लेंगे तो u2 को हमें ऋणात्मक लेना होगा, क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो एक का साइन यदि हम धनात्मक लेते हैं तो दूसरे का हमें ऋणात्मक लेना होगा। इसे हल करेंगे तो 60v बराबर 400 माइनस 1000, v बराबर हो जाएगा -600/60 और v बराबर होगा -10 मीटर प्रति सेकंड। तो टकराने के बाद जुड़ी हुई वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा और यह 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की दिशा में गतिशील होगा।
क्योंकि 20 किलोग्राम वाली वस्तु का वेग ज्यादा था, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड था, और ये उसी के वेग से ही, यानी कि उसी वेग की दिशा में ही गतिशील होगा। अगला प्रश्न, 2 किलोग्राम की एक बंदूक से 20 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात करें। इस प्रश्न में दिया गया है बंदूक का द्रव्यमान M1 बराबर 2 kg, बंदूक का प्रारंभिक वेग U1 बराबर 0, क्योंकि बंदूक और गोली शुरुआत में तो दोनों ही स्थिर अवस्था में है। गोली का द्रव्यमान M2 बराबर 20 ग्राम, 20 ग्राम को हम kg में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.02 kg। गोली का प्रारंभिक वेग U2 बराबर 0। अब बंदूक का अंतिम वेग V1 से दर्शाते हैं, इसे हमें ज्ञात करना है। गोली का वेग प्रश्न में दिया गया है, यानी कि V2 बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड। अब संवेग संरक्षण के नियम से M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 U1 प्लस M2 U2। अब इस सूत्र में हम सब मान रख देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 2 into V1 प्लस 0.02 into 100 इक्वल टू 20 into 0 प्लस 0.020 into 0। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 2V1 प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 0 से गुणा करने पर ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा 2V1 बराबर -2 और V1 बराबर -1 मीटर प्रति सेकंड। अतः बंदूक 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से पीछे की ओर हटेगी। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह इसी बात का घोतक है कि बंदूक की दिशा गोली की विपरीत दिशा होगी, इसलिए बंदूक पीछे की ओर हटेगी। अभी हमने संवेग संरक्षण के नियम को इस गुब्बारे वाले क्रियाकलाप और इस आंकिक प्रश्न के द्वारा समझने की कोशिश की। आइए अब हम अपने दैनिक जीवन में, अपने आसपास में संवेग संरक्षण के नियम के कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, आपने शिकारी को शिकार करते हुए देखा है? जब वो बंदूक की ट्रिगर दबाता है, गोली तो आगे की ओर निकलती है, पर उस शिकारी को पीछे की ओर झटका लगता है। ये बंदूक से गोली का आगे निकलना और बंदूक का पीछे आना, ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। एक्चुअली ये गोली और ये बंदूक दोनों मिलकर एक सिस्टम, निकाय का निर्माण करते हैं, यानी कि ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं। ट्रिगर दबाने से पहले ये गोली स्थिर अवस्था में रहती है और बंदूक भी स्थिर अवस्था में रहता है, यानी कि गोली और बंदूक दोनों का वेग शून्य होता है, और यदि हम इन दोनों के संवेग का योग लें तो वो भी शून्य होगा। और रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हम देखें तो फायरिंग से पहले गोली और बंदूक के इस सिस्टम का कुल संवेग फायरिंग के बाद के कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। तो फायरिंग से पहले संवेग शून्य है। अब जैसे ही ट्रिगर दबाया जाएगा, गोली तो वेग से आगे की ओर बढ़ेगी। अब संवेग तभी शून्य होगा जब बंदूक पीछे की ओर गति करेगा, यानी गोली के विपरीत दिशा में। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी कि संवेग में द्रव्यमान का भी महत्व होता है। यदि गोली और बंदूक दोनों समान भार के होते, दोनों का द्रव्यमान बराबर होता, तो जितनी वेग से गोली आगे बढ़ रही होती, उतने ही वेग से बंदूक पीछे की ओर बढ़ता। अब सोचिए, बंदूक उतने ही वेग से पीछे की ओर बढ़ता तो शिकारी को कितना जोर से झटका लगता। ये तो वही बात हो जाती, शिकारी शिकार करने आया था और खुद ही शिकार होके चला जाता। इसीलिए ही बंदूक का वजन बहुत अधिक होता है। बंदूक को बहुत भारी बनाया जाता है ताकि उसके आधार पर हम बंदूक के पीछे आने वाले वेग को कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें। बच्चों, आपने टीवी में रॉकेट लॉन्चिंग देखा होगा। रॉकेट अपने पोजीशन पे रेडी रहता है,
काउंटडाउन शुरू होती है 10, 9, 8, 7 और उस रॉकेट में से ढेर सारी गैस बाहर की ओर निकलती है और रॉकेट फिर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। यहाँ पर रॉकेट और गैस ये दोनों मिलकर भी एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये रॉकेट लॉन्चिंग भी संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। इस रॉकेट में ईंधन होता है जिसके दहन के कारण गैस इस रॉकेट के एक छोटी सी जेट नली से बाहर निकलती है और उसका वेग बहुत अधिक होता है। तो जितने ही वेग से ये गैस इस रॉकेट से बाहर की ओर निकलेगी, नीचे की ओर निकलेगी, उतने ही वेग से ये रॉकेट ऊपर की ओर उड़ने का प्रयास करेगा, यानी कि रॉकेट को ऊपर उड़ने के लिए एक बल प्रदान करेगा जिसे हम प्रणोद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रॉकेट नोदन भी संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। बच्चों, जब भीषण आग लग जाती है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उस समय हम दमकल को बुलाते हैं। दमकल के कर्मचारी एक मोटे पाइप की सहायता से उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इस मोटे पाइप में से तीव्र गति से पानी बाहर की ओर आता है। आपने देखा होगा कि उस दमकल के कर्मचारियों द्वारा उस पाइप को संभालना इतना आसान नहीं होता और ये घटना भी संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। शुरू में ये पानी और ये पाइप दोनों ही स्थिर थे, दोनों का वेग शून्य था, या यूं कहें कि इस निकाय का कुल संवेग शून्य था। जब पानी पाइप से तीव्र गति से बाहर की ओर निकलेगा तो संवेग संरक्षण के आधार पर इस निकाय के कुल संवेग को शून्य होने के लिए इस पाइप को पीछे आना चाहिए और यही होता है। ये पाइप भी पीछे की ओर आने का प्रयास करती है और इसीलिए दमकल के कर्मचारियों को इस पाइप को पकड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम अपने आसपास की चीज़ों में गति के विभिन्न नियमों को देखते हैं। तो जब भी आप अपने आसपास किसी सिस्टम को, किसी वस्तु को गति करते हुए देखें तो आप ज़रूर उस पर विचार करें, साथ ही अपने टीचर से या फिर अपने दोस्तों से भी चर्चा करें कि इनमें गति के कौन से नियम लागू हो रहे हैं या फिर ये घटना किस सिद्धांत पर आधारित है।